वेलकम हियर एट कानपुर. सर बहुत सारे नलिनी किचन के सो एक्साइटेड सर मिलना चाहते हैं. आपकी एक और फैन है और मैंने अभी अभी लिखा कि मैं आपसे मिलने जा रही हूँ और ये बहुत प्लेजर है नलिनी किचन का कि सर से मिले और सर के फैन मैं बचपन से रही हूँ. इसका ये मतलब है कि मैं अभी ज्यादा बड़ी नहीं हूँ. बढ़िया है सर. कुछ टिप्स अबाउट फूड मुझे और कैसे करना चाहिए क्या करना चाहिए. आप सबके लिए आइडल हो. मेरे फेसबुक पे आई हैव टू आईडीज एक्चुअली, तो मेरे इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे हैं और वो मैंने जस्ट अभी लिखा कि मैं किससे मिलने जा रही हूँ हरपाल सिंह चौकी सर से, तो कौन भी मिलना चाहता है तो अभी सब पागल हो गए हैं. जल्दी ही अच्छा मिला रिस्पॉन्स यूट्यूब पे लोगों से. एक्चुअली बेसिकली माय चैनल ये वेजिटेरियन चैनल है. मैं उस पर वेजिटेरियन चैनल लोगों को सिखाती हूँ लेकिन उन लोगों को जो जान नहीं होते सब, क्योंकि मैं थोड़ा मतलब हमारा जॉइंट फैमिली है तो टाइम कम रहता है, बट हम उन लोगों को ही सिखा रहे हैं या उन एनजीओ से जुड़ी हूँ जहाँ फ्री सिखा सकते हैं. मैं कोशिश करती हूँ साल में एक दो लोगों को ऐसे पैर पे खड़ा कर दूँ, उनको OTG या बेकिंग की कुछ चीज़ें सिखा करके, ताकि वो कुछ अर्न करने लगे. जल्दी इस पर अपना एनजीओ पे काम करेंगे, अपना बना करके उन लोगों को सिखाएंगे. जल्दी उसका टेस्ट अलग आता है तो वो प्रेजेंटेबल होना बहुत जरूरी है. और सर जो नमक शमक आपने दिया है, मैं अभी बोलती अपने वीडियो को हेलो सत श्री अकाल के यूट्यूब माय नेम नालिनी एंड वेलकम टू माय किचन. ऐसा भी यूट्यूब चैनल में अपने बोलती हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें सीखी किससे कि कैसे बोल सकते हैं फ्रॉम यू. सही हो गया इसी तरह से. वेरी गुड. नहीं सर, लेकिन मैं नहीं बोल सकते ना सबसे ज़्यादा गुरु और सब किसको लागू पाऊँ होता है तो आप तो जैसे परिवार में कभी कभी होता है ना, बच्चा बहुत बोलता है, बहुत पसंद आता है सब. वैसे इमोशनल हो जाते रोना शुरू कर दे. तुम क्यों रो रहे हो भाई? खुशी के आंसू हैं. इसलिए मैंने आपको बुलाया कि आप आए मिलने के लिए. क्या आपको डर नहीं है? जब आप नमक शमक बोलते थे ना, तो जब मैं चैनल पे आई तो मैं सोचती थी मैं कोई का चुनाव नहीं, बट मैं क्या कर सकती हूँ क्योंकि मुझे बोलने वाले लोग पहले मंगे कि हम बोलते हैं तो खाने में भी काफ़ी बकबक करते हैं सर, जो बोलना चाहिए इधर उधर भी बताते हैं लोगों को. बिल्कुल होनी चाहिए. जितनी मुझे नॉलेज है अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ एक रेसिपी के बारे में. सबके पास नहीं होती वो कला. स्टोरी टेलिंग बहुत बड़ी कला होती है.